वेलकम टू अनदर लेक्चर एवरीवन। और आज के लेक्चर में हम सिंगल कंपोनेंट यूनिवर्सेस की स्टडी करेंगे, यानी कि यूनिवर्स में अगर सिर्फ डार्क एनर्जी होती तो यूनिवर्स किस तरह बिहेव करता, सिर्फ मैटर होता तो वो किस तरीके से बिहेव करता। और इस तरह एक एक चीज़ को हम अलग अलग देखेंगे कि यूनिवर्स सिर्फ एक एक चीज़ से बना होता तो कैसे बिहेव करता। इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि जब हम कंबाइंड स्टडी करेंगे इन सारी चीज़ों की, जो कि हमारे हकीकी यूनिवर्स की स्टडी होगी, तो वो करने में हमें मुश्किल नहीं होगी क्योंकि हमने इन सब का अलग अलग बिहेवियर देखा हुआ होगा। मगर ये सब करने से पहले हमें फ्रीडमैन इक्वेशन को ज़्यादा क्लोजली स्टडी करना होगा, और फ्रीडमैन इक्वेशन को कुछ फॉर्म्स हैं उसकी जो हमें देखनी होंगी, जो कि कॉस्मोलॉजिस्ट आमतौर पर अपने रिसर्च पेपर्स में यूज़ करते हैं। तो एक तो आप लोगों ने फ्रीडमैन इक्वेशन देखी हुई है, वो क्या कहती है, ए डॉट ओवर ए होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 पाई जी ओवर 3 सी स्क्वायर ई ऑफ टी माइनस कैपा सी स्क्वायर ओवर आर नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर। यही कहती है ना फ्रीडमैन इक्वेशन। अच्छा, आप लोग सोचेंगे कि लास्ट लेक्चर में तो मैंने बड़ा शोर मचाया था कि एक और टर्म भी है जो हमें ऐड करनी होती है, क्योंकि हमारे यूनिवर्स में एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन है तो हमें एक लैम्डा ओवर 3 की टर्म भी ऐड करनी होती है। तो मैंने जब फ्रीडमैन इक्वेशन का भी जिक्र किया तो ये टर्म क्यों नहीं लिखी। हम देखेंगे कि ये टर्म ना हम खुद ही इस इक्वेशन के अंदर ला सकते हैं, बल्कि अभी भी ये टर्म इस इक्वेशन के अंदर है, बस आपको नज़र नहीं आ रही। इसको देखने के लिए हमें एनर्जी डेंसिटी जो है ना, इसको ज़रा मज़ीद गौर से स्टडी करना होगा। अब देखिए, यूनिवर्स के अंदर ये जो ई ऑफ टी है फ्रीडमैन के इक्वेशन के अंदर, ये यूनिवर्स के अंदर जितनी भी एनर्जी डेंसिटी है उन सबको रिप्रेजेंट करती है। अब यूनिवर्स में तो कई तरीके की एनर्जी डेंसिटीज है। यूनिवर्स में डार्क एनर्जी है जो एनर्जी डेंसिटी पैदा करती है, आम मैटर है जो एनर्जी डेंसिटी पैदा करता है, और रेडिएशन है जो यूनिवर्स के अंदर एनर्जी डेंसिटी पैदा करती है। उसे हो सकता है कुछ अननोन चीज़ें भी हो, मगर हमें यही तीन पता है। तो मैटर की वजह से जो एनर्जी डेंसिटी पैदा होती है, जो कि टाइम में चेंज भी होती है, तो उसको मैं ई ऑफ एम कह देता हूँ, नीचे एम लिख देता हूँ। डार्क एनर्जी को क्योंकि हम लैम्डा से कॉस्मोलॉजिकल कॉन्स्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके नीचे मैं ई ऑफ लैम्डा लिख देता हूँ, और रेडिएशन को हम ई ऑफ आर से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। और इसकी भी डेंसिटी कम होती है, और वो कैसे कम होती है ये हम देखेंगे आगे जाकर। तो हमारे ये जो टोटल एनर्जी डेंसिटी है, ये फिर तीन एनर्जी डेंसिटी से मिली है जिनका हमें पता है अभी तक। वो एक एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैटर है, प्लस एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन है, प्लस एनर्जी डेंसिटी ऑफ कॉस्मोलॉजिकल कॉन्स्टेंट डार्क एनर्जी है। अब मैटर की एनर्जी भी टाइम में चेंज होती है, रेडिएशन की भी टाइम में चेंज होती है, मगर हमें पता है कि इसको हम मानते हैं कि एनर्जी डेंसिटी जो डार्क एनर्जी की है वो कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब है कि अगर यूनिवर्स फैल रहा है और यूनिवर्स के अंदर डार्क एनर्जी फिर भी मौजूद है, इसका ये मतलब है कि डार्क एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो कि यूनिवर्स के फैलने के साथ साथ बन भी रही है। क्योंकि अगर इसकी तादाद कॉन्स्टेंट होती तो यूनिवर्स जब फैलता तो इसकी डेंसिटी गिर जाती है ना, मगर इसकी तादाद अगर साथ साथ बढ़ती रहे यूनिवर्स के साइज बड़ा होने के, तो इसका मतलब है कि इसकी डेंसिटी भी कांस्टेंट रह सकती है फिर। और हमारी अजम्पशन यही है, और एक्सपेरिमेंट को भी यही सूट करता है कि इसकी जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहती है। अब मैटर और रेडिएशन आम चीज़ें हैं जो हमें नज़र आती हैं, हमने जिनको देखा हुआ है, हमारा रोज़मर्रा जिनसे पाला पड़ता है। तो इनकी जो कंबाइंड एनर्जी डेंसिटी है उसको मैं ई ऑफ एन कह देता हूँ, और इधर एन जो है वो नॉर्मल की बात कर रहे हैं, यानी ये नॉर्मल चीज़ें जिनसे हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते आते हैं। और ये हमारी ई ऑफ लैम्डा जो है, ये वो डार्क एनर्जी है, एक मिस्टीरियस चीज़ है जिसका हमें नहीं पता। अब ये ई ऑफ लैम्डा की एक्सप्लिसिट फॉर्म क्या होगी? देखिए, ई ऑफ लैम्डा की एक्सप्लिसिट फॉर्म ये होनी चाहिए कि जब हम इस टोटल एनर्जी को इस फ्रीडमैन इक्वेशन में डालें तो हमें लैम्डा ओवर 3 की टर्म नेचुरली मिल जाए। तो ये टर्म हम गेस करते हैं फिर, बल्कि गेस भी नहीं, बड़ी इजीली हम ये हम निकाल सकते हैं। ये इसको हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये है ई ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर 8 पाई जी लैम्डा। अब देखिएगा कि अभी मैं ये फ्रीडमैन इक्वेशन के अंदर डालूंगा और कैसे लैम्डा ओवर 3 वाली टर्म मुझे वापस मिल जाती है। तो इसलिए हमें ये लैम्डा ओवर 3 वाली टर्म बार बार डालने की जरूरत नहीं है, बल्कि फ्रीडमैन इक्वेशन में इसकी एनर्जी डेंसिटी के अंदर ही हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि है पड़ी। देखें, अभी हम इसको करके देखते हैं। तो फ्रीडमैन इक्वेशन लिखेंगे ए डॉट ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8 पाई जी ओवर 3 सी स्क्वायर, और इसके साथ जो एनर्जीज है मेरे पास मुख्तलिफ वो मैं लिख देता हूँ। एक तो नॉर्मल एनर्जीज हैं जो कि टाइम में डिक्रीज करती हैं, दूसरा ये अजीब सी एनर्जी है जिसको हमने ई लैम्डा का नाम दिया, जो डार्क एनर्जी की तरफ से आने वाली एनर्जी डेंसिटी है। फिर माइनस
कैपा सी स्क्वायर ओवर आर नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर, ये तो वो टर्म्स हैं जिनको हम अभी तक जानते ही हैं। तो इस 8 पाई जी ओवर सी थ्री सी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा 8 पाई जी ओवर थ्री सी स्क्वायर ई एन ऑफ टी। ई एन ऑफ टी हम याद रखें मैटर और रेडिएशन दोनों की एनर्जी डेंसिटीज का ख्याल रख रहा है, प्लस 8 पाई जी ओवर थ्री सी स्क्वायर। और इधर ई लैम्डा आना था, ई लैम्डा की जगह मैं पुट कर देता हूँ ये जो अभी हमने ऊपर जो सी स्क्वायर ओवर 8 पाई जी इंटू लैम्डा, ये हमने खुद ब खुद डिफाइन किया, इसकी कोई वजह नहीं है। इसकी बस यही वजह है कि इससे हमारे पास लैम्डा ओवर 3 वाली टर्म खुद ब खुद आ जाती है। अभी आप देखिएगा ये सी स्क्वायर ओवर 8 पाई जी लैम्डा इसकी जगह मैंने डाल दिया, ठीक है, और 8 पाई जी ओवर 3 सी स्क्वायर भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और आगे माइनस कैपा सी स्क्वायर ओवर आर नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर, ये तो टर्म ऐसी आती रहेगी। अब जरा देखें ये बन जाएगा 8 पाई जी ओवर 3 सी स्क्वायर ए डॉट ओवर ए स्क्वायर को आता रहेगा, प्लस इधर सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 8 पाई जी से 8 पाई जी, तो देखें लैम्डा ओवर 3 हमारे पास खुद ही आ गया। अब अगर मैं कैपा सी स्क्वायर वाली टर्म पहले ले आऊँ हमारी और लैम्डा ओवर 3 वाली टर्म बाद में लिख दूँ, तो ये वही वाली फॉर्म बन जाएगी जो कि आइंस्टाइन ने फिक्स करके लिखी थी इसकी, प्लस लैम्डा ओवर 3। यानी कि हम कॉस्मोलॉजिकल कॉन्स्टेंट को ये सोचने की बजाय कि ये बस एक टर्म है जो हम अपनी इक्वेशंस में ऐड कर देते हैं, हम ऐसा भी सोच सकते हैं, बल्कि ज़्यादा अच्छा तरीका यही है, ज़्यादा नॉर्मल तरीका यही है जिससे फिर से सोचते हैं, ऐसा सोच सकते हैं कि ये एक एनर्जी डेंसिटी है, एक डार्क एनर्जी है जो यूनिवर्स में हर तरफ फैली हुई है, जिसकी एनर्जी डेंसिटी कॉन्स्टेंट है और उसकी जो वैल्यू है वो ये है। तो हम फिर फ्रीडमैन इक्वेशन को अपनी ओरिजिनल शक्ल में लिख सकते हैं, मतलब ये लैम्डा ओवर 3 वाली टर्म डाले बगैर लिख सकते हैं, ये मान के कि इसके अंदर जो एनर्जी डेंसिटी है ना, जो टोटल एनर्जी डेंसिटी है, उसके अंदर नॉर्मल चीज़ों की एनर्जी डेंसिटी भी आती है और लैम्डा की एनर्जी डेंसिटी भी आ जाती है। तो लास्ट टाइम हमने ये भी देखा था कि जो प्रेशर होता है इसके साथ एसोसिएटेड वो होता है माइनस ई लैम्डा, ठीक है। तो अब अगर हमें ई लैम्डा की वैल्यू पता है तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्रेशर है डार्क एनर्जी के साथ एसोसिएटेड यूनिवर्स के अंदर वो है माइनस सी स्क्वेयर ओवर 8 पाई जी लैम्डा, ठीक है ना, बस मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी है, ये एक बस बात थी जो मैं करना चाहता था। चलिए अब लेट्स गो इवन डीपर इन द फ्रीडमैन इक्वेशन। तो फ्रीडमैन इक्वेशन को अब मैं इस हालत में लिखता हूँ जिसमें अब हमें पता है कि कोई बुराई नहीं है ऐसे लिखने में, 8 पाई जी ओवर 3 सी स्क्वेयर ई ऑफ टी माइनस कैपा सी स्क्वेयर ओवर आर नॉट स्क्वेयर ए स्क्वेयर, ठीक है। और आपने याद रखना है कि डार्क एनर्जी की डेंसिटी अब ई ऑफ टी के अंदर है। तो आप लोगों को याद होगा कि जब हम पहले हमने मेट्रिक को यूज किया था और पीछे अपना फॉर्मूलाज बनाए थे, तो उसमें हमने एक फॉर्मूला ये देखा था कि हेबल्स लॉ की जो जनरल फॉर्म थी, टाइम डिपेंडेंट फॉर्म, वो थी वी ऑफ टी इज इक्वल्स टू एच ऑफ टी एंड देन डी ऑफ टी, वेयर डी वॉज द प्रॉपर डिस्टेंस। अब हमने एच ऑफ टी को कैसे डिफाइन किया था, जो हेबल्स पैरामीटर था जिसकी वैल्यू टी नॉट के ऊपर हबल्स कांस्टेंट आती है जो कि हबल ने मेजर किया था, जो कि 70 किलोमीटर पर सेकंड पर मेगा पार्सेक होती है, वो हबल पैरामीटर को हमने डिफाइन किया था ए डॉट ओवर ए से, ठीक है। और क्योंकि हबल पैरामीटर को हमने मेट्रिक से डिफाइन किया था और मेट्रिक खुद आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशन से आता है, तो ये हमारे पास फ्रीडमैन इक्वेशन के लिए भी वैलिड है। तो फ्रीडमैन इक्वेशन में भी हम ए डॉट ओवर ए की जगह हबल्स कांस्टेंट को डाल सकते हैं, सॉरी हबल्स पैरामीटर को डाल सकते हैं, और हम फ्रीडमैन इक्वेशन को लिख सकते हैं कि ये है एच स्क्वेयर ऑफ टी, यानी हबल्स कांस्टेंट का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 8 पाई जी ओवर 3 सी स्क्वेयर ई ऑफ टी माइनस कैपा सी स्क्वेयर ओवर आर नॉट स्क्वेयर ए स्क्वेयर। ये फॉर्म भी काफ़ी बार कॉस्मोलॉजी में यूज़ होती है, क्योंकि फ्रीडमैन इक्वेशन की मुख्तलिफ फॉर्म्स मुख्तलिफ चीज़ें हमें बताती हैं, जिसकी वजह से ये फॉर्म मुख्तलिफ फॉर्म्स हमें पता रखनी पड़ती हैं फ्रीडमैन इक्वेशन की। तो देखें इससे हम क्या कर सकते हैं, एक अब फर्ज करें अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को टी इक्वल्स टी नॉट पर स्टडी करूं, और टी नॉट क्या है, यानी हमारा प्रेजेंट टाइम जो है उसके ऊपर इस पूरी इक्वेशन को मैं पुट कर दूं टी इक्वल्स टी नॉट, तो ए कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमने बाय कन्वेंशन डिसाइड किया हुआ है कि ए ऑफ टी नॉट 1 होता है, तो इधर 1 आ जाएगा, ठीक है। और एच ऑफ टी नॉट की जगह एच नॉट यानी हबल्स पैरामीटर हबल्स कांस्टेंट बन जाएगा, और 8 पाई जी ओवर 3 सी स्क्वेयर, और ये ई ऑफ टी नॉट यानी आज यूनिवर्स के अंदर तमाम चीज़ों से आने वाली एनर्जी डेंसिटीज का सम क्या है,
इसको मैं ई नॉट कह देता हूँ, ठीक है। या देखिए कि टोटल डार्क एनर्जी, मैटर, रेडिएशन सबको मिलाकर आज जो यूनिवर्स में एनर्जी डेंसिटी है उसका सम है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 8 पाई जी ई नॉट माइनस कैपा सी स्क्वेयर ओवर आर नॉट स्क्वेयर। तो अब देखिए हमें एच नॉट भी नोन है और हम एक्सपेरिमेंट्स करके ई नॉट भी पता लगा सकते हैं यूनिवर्स को, स्टार्स को देखकर, सीएमबी के एक्सपेरिमेंट्स करके, डार्क एनर्जी के एक्सपेरिमेंट्स करके, कि आज यूनिवर्स में किस चीज़ की कितनी एनर्जी डेंसिटी है। तो कर्वेचर को ध्यान रखना, कर्वेचर का पता लगाना एक्सपेरिमेंटली बहुत मुश्किल होता है। तो देखिए ये हमारे पास फिर इस फॉर्म में हमारे पास इनडायरेक्ट एक मेथड आ जाता है, इधर एच नॉट को स्क्वेयर आना है, तो हमारे पास इनडायरेक्ट एक मेथड आ जाता है कि हम यूनिवर्स के कर्वेचर के बारे में, जो उसकी आज हालत है कर्वेचर की, वो पता लगा सकें जस्ट बाय नोइंग द हब्बल्स कांस्टेंट एंड द एनर्जी डेंसिटी। ये एक पॉइंट है कि ये इक्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्म में ये इक्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। तो हर फॉर्म ही इंपॉर्टेंट होती है। अब देखें, अब हम वापस इस बात से ज़रा हटते हैं, टाइम की एक वैल्यू पुट करने की बजाय हम इन जनरल इस इक्वेशन को स्टडी करते हैं, यानी टाइम डिपेंडेंट फ्रीडमैन इक्वेशन की ये वाली फॉर्म जरा स्टडी करते हैं। अब हम सवाल करते हैं कि व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन फॉर द यूनिवर्स टू हैव कैपा इज इक्वल टू जीरो, यानी कौन सी कंडीशन है कि हमारे यूनिवर्स के अंदर जो कर्वेचर है वो जीरो हो। ये भी हम इस वाली फॉर्म से काफी अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अगर आप कैपा सी स्क्वायर ओवर आर नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर वाली टर्म को दूसरी तरफ ले जाएं और एच स्क्वायर टी की टर्म को दूसरी तरफ ले जाएं, तो हमें क्या मिलेगा, कैपा सी स्क्वायर ओवर आर नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 पाई जी ई ऑफ टी ओवर 3 सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर टी, ठीक है। और ये तमाम चीज़ें, टाइम का फंक्शन है, वो मैंने पहले जो टाइम में एक वैल्यू प्रेजेंट डे की ऐड की थी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, तो बी केयरफुल विद दिस। अब देखिए अगर तो हम चाहते हैं कि कैपा जीरो रहे, ठीक है, यानी यूनिवर्स फ्लैट का यही मतलब है ना, मैंने पीछे बताया हुआ है कि कैपा जब जीरो होता है तो हमारा यूनिवर्स फ्लैट हो जाता है। इसका मतलब है कि ये, इसको हम जीरो पुट कर देते हैं फिर तो ये पूरी चीज़ जीरो हो जाएगी, क्योंकि जब ये जीरो सबसे मल्टीप्लाई होगा तो वो पूरा जीरो हो जाएगा। तो जीरो इज इक्वल टू 8 पाई जी ओवर 3 सी स्क्वेयर ई ऑफ टी माइनस एच स्क्वेयर टी, ठीक है। अब एच स्क्वेयर टी को मैं दूसरी साइड पर ले जाता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा एच स्क्वेयर टी इज इक्वल टू 8 पाई जी ओवर 3 सी स्क्वेयर ई ऑफ टी। और 3 सी स्क्वेयर ओवर 8 पाई जी को भी अगर हम दूसरी साइड पर ले जाएं तो हमें एनर्जी डेंसिटी के ऊपर एक कंडीशन मिल जाती है। वो क्या कंडीशन है, 3 सी स्क्वायर ओवर 8 पाई जी टाइम्स हबल कांस्टेंट का स्क्वायर। ओके, इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है, इसका मतलब हमें ये पता चल रहा है कि अगर एनर्जी डेंसिटी जो है किसी भी टाइम पर, यूनिवर्स बनने से लेकर यूनिवर्स के आखिर तक, वो 3 सी स्क्वायर ओवर 8 पाई जी हबल्स पैरामीटर स्क्वायर के बराबर होती है, तो यूनिवर्स हमेशा फ्लैट रहेगा। इसका क्या मतलब है कि एनर्जी डेंसिटी की इतनी फाइन वैल्यू होनी चाहिए, इतनी फाइन ट्यूनिंग होनी चाहिए हमारे यूनिवर्स में, मुसलसल किसी एक टाइम पर नहीं बल्कि मुसलसल तमाम टाइम्स पर, कि एनर्जी डेंसिटी की ये वैल्यू, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम क्रिटिकल एनर्जी डेंसिटी कहते हैं, क्योंकि ये वो क्रिटिकल वैल्यू है एनर्जी डेंसिटी की जिसके ऊपर यूनिवर्स जो है वो फ्लैट रहता है हमारा। और ये वैल्यू हर टाइम हमें मेंटेन करनी होती है, यानी ये वैल्यू चेंज हो सकती है, यानी एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू चेंज हो सकती है, मगर इस तरीके से चेंज होनी चाहिए कि हबल कांस्टेंट की वैल्यू भी उसी तरह चेंज हो और वो जब 3 सी स्क्वायर ओवर 8 पाई जी से मल्टीप्लाई हो तो वो एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू दे दे। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो हमें अब पता होनी चाहिए। अब देखें फिजिसिस्ट ने ना एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, दरअसल अगर हम एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू निकालना चाहें कि आज इस क्रिटिकल एनर्जी डेंसिटी की क्या वैल्यू होनी चाहिए, यानी ई सी ऑफ टी नॉट, अभी तो हमें हबल्स कांस्टेंट की वैल्यू पता है ना, तो हमें एच ऑफ टी नॉट पता है हबल्स पैरामीटर में, वो एच नॉट के बराबर होता है जिसको, जो उसको हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया हुआ। तो ये बन जाता है 3 सी स्क्वायर ओवर 8 पाई जी एच नॉट स्क्वायर, यानी हम थियोरेटिकली वो वैल्यू निकाल सकते हैं जिसके ऊपर यूनिवर्स को रहना चाहिए फ्लैट। तो जब ये वैल्यूज हम पुट करते हैं एच नॉट स्क्वायर की, 8 पाई जी और 3 सी स्क्वायर की,
इसकी वैल्यू आती है 8.3 × 10⁻¹⁰ जाउल पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये बहुत थोड़ी वैल्यू है, मगर फिजिसिस्ट ने जब एक्सपेरिमेंट किया ना और उन्होंने देखा कि यूनिवर्स के अंदर वाकई टोटल एनर्जी डेंसिटी कितनी है, ठीक है, ये अलग से सितारों को देखकर CMB की मेजरमेंट से जब टोटल एनर्जी डेंसिटी देखी, तो वो तकरीबन तकरीबन इस क्रिटिकल एनर्जी डेंसिटी की जो हमने ये वैल्यू प्रिडिक्ट की है ना 10⁻¹⁰ वाली, इसके तकरीबन तकरीबन बराबर आती है। तो हमें अच्छा खासा शक है कि मोस्ट लाइकली हमारा जो यूनिवर्स है वो फ्लैट ही है, क्योंकि जो हमारी एनर्जी डेंसिटी की मेजर्ड वैल्यू आती है वो हमारी प्रिडिक्टेड क्रिटिकल एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू के बराबर आती है ऑलमोस्ट। क्योंकि लेकिन ये कॉस्मोलॉजिकल लेवल पर एक्सपेरिमेंटल एरर्स इतने ज़्यादा होते हैं कि हम कुछ खास कह नहीं सकते अपने एक्सपेरिमेंट्स को लेकर। चलिए हम वही सवाल रिपीट करते हैं, मगर हम कहते हैं कि व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर द यूनिवर्स टू हैव कैपा पॉजिटिव। ठीक है, यूनिवर्स की स्फेरिकल होने की क्या कंडीशन है? देखिए, यूनिवर्स के स्फेरिकल होने की ये कंडीशन आती है कि इसी इक्वेशन से आप देख लें, ये अभी हमने डिराइव की थी, बस कर्वेचर वाली चीज़ को दूसरी तरफ ले गए और हबल कांस्टेंट को या पैरामीटर को दूसरी तरफ ले गए थे। अगर तो ये जो वैल्यू है एनर्जी डेंसिटी की जो वैल्यू आ रही है, ये अगर क्रिटिकल एनर्जी डेंसिटी से बड़ी होगी, ठीक है, तो देखें फिर क्या होगा कि ये वाली साइड पॉजिटिव है, ये बड़ी हो जाएगी इस नेगेटिव वाले हबल्स कांस्टेंट वाली साइड से, क्योंकि क्रिटिकल एनर्जी पर ये दोनों साइड्स बराबर हो जाती है ना, ये दोनों टर्म्स बराबर हो जाती हैं। तो अगर ये ई ऑफ टी क्रिटिकल एनर्जी डेंसिटी से बड़ी होगी तो ये पहली टर्म बड़ी हो जाएगी जो कि पॉजिटिव टर्म है, और हबल्स कांस्टेंट वाली या पैरामीटर वाली नेगेटिव टर्म है, ये छोटी हो जाएगी, तो यूनिवर्स का जो कर्वेचर है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है हमारे पास वो ये है कि व्हेन एनर्जी डेंसिटी यानी टोटल एनर्जी डेंसिटी यूनिवर्स की जो है वो क्रिटिकल एनर्जी डेंसिटी से बड़ी हो, और क्रिटिकल एनर्जी डेंसिटी क्या है, वो है 3c²/8πg²t। तो हर टाइम पर अगर यूनिवर्स की एनर्जी डेंसिटी यूनिवर्स की क्रिटिकल एनर्जी डेंसिटी से बड़ी हो तो यूनिवर्स पॉजिटिव रहता है। तो दूसरा, अब ये मैं व्यूअर्स पर छोड़ देता हूँ कि अगर हमारी ये भी हम यहाँ से अखज कर सकते हैं कि अगर ये हमारी एनर्जी डेंसिटी क्रिटिकल एनर्जी डेंसिटी से छोटी हो तो हमारे पास कैपा जो होता है वो -1 के बराबर आ जाता है। तो चलें अब हम अपने रिजल्ट्स को ज़रा समराइज कर लेते हैं, और समरी करने से हमारे पास एक बड़ी ज़बरदस्त एक डेफिनेशन भी आ जाएगी, यानी जब एनर्जी डेंसिटी क्रिटिकल एनर्जी डेंसिटी के बराबर हो तो कैपा 0 होता है, यूनिवर्स फ्लैट होता है। ठीक है, अगर यूनिवर्स की टोटल एनर्जी डेंसिटी क्रिटिकल एनर्जी डेंसिटी से बड़ी है तो कैपा पॉजिटिव होता है और यूनिवर्स स्फेरिकल होता है, और अगर यूनिवर्स की एनर्जी डेंसिटी कम है यूनिवर्स की क्रिटिकल एनर्जी डेंसिटी से तो कैपा नेगेटिव होता है और यूनिवर्स हाइपरबॉलिक होता है। ठीक है ना, अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस में दोनों तरफ क्रिटिकल एनर्जी डेंसिटी से डिवाइड कर दूं, यानी इधर डिवाइड करूंगा तो इधर भी डिवाइड करूंगा, तो ये कैंसिल होके कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 1 बन जाएगा। उसी तरह दूसरी साइड पर भी अगर मैं डिवाइड करूं तो ये नीचे ई सी ऑफ टी आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, और थर्ड इक्वेशन में भी अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 1 आ जाएगा और ई सी ऑफ टी आ जाएगा। तो देखिए, इसकी रेशियो अगर बराबर होगी 1, यानी एनर्जी डेंसिटी की रेशियो विद रिस्पेक्ट टू क्रिटिकल एनर्जी अगर 1 के बराबर होगी तो यूनिवर्स फ्लैट होगा, अगर ये रेशियो ग्रेटर देन 1 होगी तो यूनिवर्स स्फेरिकल होगा, लेस देन 1 होगी तो यूनिवर्स हाइपरबॉलिक होगा। तो ये रेशियो इसका मतलब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो क्यों ना इस रेशियो को एक अलग से नाम दे दिया जाए। इस रेशियो को नाम कॉस्मोलॉजिस्ट ने दिया हुआ है ओमेगा का, ओमेगा ऑफ टी, और इसको डेंसिटी पैरामीटर कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं डेंसिटी पैरामीटर, यानी इसकी वैल्यू अगर 1 हो तो फ्लैट होता है एंड ऑल द गुड थिंग्स दैट यू नाउ नो। और एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला है, तकरीबन सारे फिजिसिस्ट ये इस बात पर एग्री करते हैं कि इसकी वैल्यू 0.2 से तकरीबन आज के दिन, इसकी वैल्यू 0.2 से तकरीबन 2 के दरमियान है। अगर ये एग्जैक्टली 1 हो तो ये फ्लैट होता है, अगर इस साइड पर हो तो यानी यूनिवर्स पॉजिटिव है यानी स्फेरिकल है, और अगर इस साइड पर हम हों तो यूनिवर्स नेगेटिवली कर्व है। तो काफ़ी बड़ा एक्सपेरिमेंटल गैप है अभी हमारे पास कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, मगर हमें लगता यही है कि 1 के ऑलमोस्ट करीब करीब ही है अगर
फ्लैट नहीं भी है तो कर्वेचर इतना बड़ा है कि इट्स ऑलमोस्ट फ्लैट। तो अभी हमने एक नया पैरामीटर डिफाइन किया है जो कि है ओमेगा ऑफ टी इज इक्वल्स टू ई ऑफ टी डिवाइडेड बाय ई सी ऑफ टी, ठीक है, वेयर ई सी ऑफ टी इज इक्वल्स टू 3c² ओवर 8πg टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द हबल्स पैरामीटर। हम लिख सकते हैं पूरी हबल्स पूरी फ्रीडमैन इक्वेशन को इस डेंसिटी पैरामीटर की फॉर्म में। ये एक एक्सरसाइज है, एक मैथमेटिकल एक्सरसाइज है कम्प्लीटली, और इसका कोई फिजिकल इतना मकसद नहीं है, मगर क्योंकि कॉस्मोलॉजिकल रिसर्च पेपर्स में ये फॉर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होती है फ्रीडमैन इक्वेशन की, तो हम ये फॉर्म मैं चाहता हूँ कि हम ये फॉर्म डिराइव कर लें। और छोटी सी डेरिवेशन है तो चले हम कर लेते हैं ये डेरिवेशन। तो इस डेरिवेशन को शुरू करने में ये जो कैपा ओवर सी स्क्वेयर कैपा वाली टर्म है उसको मैं दूसरी साइड पर ले जाता हूँ, हो जाएगा एच स्क्वेयर टी प्लस कैपा सी स्क्वेयर ओवर आर नॉट स्क्वेयर ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 8πg ओवर 3c² ई ऑफ टी। अभी 8πg ओवर 3c² को ना दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई कर दें, और ये दोनों टर्म्स के अंदर भी मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3c² ओवर 8πg एच स्क्वेयर टी फिर प्लस 3c² ओवर 8πg कैपा सी स्क्वेयर ओवर आर नॉट स्क्वेयर ए स्क्वेयर, ठीक है, इज इक्वल्स टू ई ऑफ टी। जरा गौर करें कि 3² 8πg ए स्क्वेयर टी ये तो है ही क्रिटिकल एनर्जी की डेफिनेशन के बराबर, तो इधर तो हमारे पास आई पहले ही क्रिटिकल एनर्जी गई है, ठीक है, और इधर 3c² ओवर 8πg अगर मैं एच स्क्वेयर को दूसरी साइड पर डिवाइड कर दूं तो ये यही कांस्टेंट बन जाता है 3c² ओवर 8πg। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ई सी ऑफ टी डिवाइडेड बाय एच स्क्वेयर टी, है ना, तो चलिए हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा ई सी ऑफ टी प्लस 3c² ओवर 8πg कैपा सी सॉरी 3c² ओवर 8πg की जगह तो अब हमने इसकी रेशियो लिख देनी है ना, हो जाएगा ई सी ऑफ टी ओवर एच स्क्वेयर ऑफ टी इंटू कैपा सी स्क्वेयर ओवर आर नॉट स्क्वेयर ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ई ऑफ टी। अब दोनों तरफ ना ई सी ऑफ टी से हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, यानी क्रिटिकल एनर्जी डेंसिटी से दोनों तरफ हम डिवाइड कर दें, इधर भी डिवाइड कर देते हैं, इधर भी डिवाइड कर देते हैं और इधर भी डिवाइड कर देते हैं। अब ये वाला हमारे पास क्या बन जाएगा, ये तो डेंसिटी पैरामीटर आ गया, क्योंकि ये है बाय डेफिनेशन इसकी रेशियो, इधर ये कैंसिल हो जाएंगे वन आ जाएगा और इधर भी ये कैंसिल हो जाएंगे वन आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा वन प्लस कैपा सी स्क्वेयर ओवर एच स्क्वेयर टी आर नॉट स्क्वेयर ए स्क्वेयर टी इज इक्वल्स टू ओमेगा ऑफ टी। अब ये वो ओमेगा नहीं है जो डी ओमेगा में आता है, ये अलग से एक चीज़ है, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और अगर मैं वन को दूसरी साइड पर ले जाऊं तो हमारे पास ये कन्वेंशनल फॉर्म आ जाती है इसकी फ्रीडमैन इक्वेशन, ये हो जाता है ओमेगा ऑफ टी माइनस वन इज इक्वल्स टू कैपा सी स्क्वेयर ओवर एच स्क्वेयर टी आर नॉट स्क्वेयर ए स्क्वायर, ठीक है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी कोई तुक तो नहीं है बट ये कन्वेंशन है कॉस्मोलॉजिस्ट क्योंकि रिसर्च पेपर्स में जब यूज करते हैं तो इस तरीके की फॉर्म यूज करते हैं, तो हम भी कर लेते हैं ताकि आप लोग अगर खुद कभी आगे कॉस्मोलॉजी में जाए तो इस बात की टेंशन ना रहे। तो ये हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वेयर टी आर नॉट स्क्वेयर ए स्क्वेयर टी, कुछ भी नहीं किया मैंने इस वाली फॉर्म के साथ, तो दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि कन्वेंशन है कि वन माइनस ओमेगा ऑफ टी की फॉर्म में इसको लिखते होते हैं। तो ये भी फ्रीडमैन इक्वेशन ही है मगर ये किस फॉर्म में है, डेंसिटी पैरामीटर की फॉर्म में, हमने कुछ नई इन्फॉर्मेशन नहीं हासिल की, हमने जस्ट डेंसिटी पैरामीटर की फॉर्म में लिख दी है जैसे पहले हमने हबल्स पैरामीटर की फॉर्म में लिख दी थी फ्रीडमैन इक्वेशन। फाइनली वी हैव टू डिस्कस वन फाइनल थिंग बिफोर वी कैन गो ऑन टू डिस्कस सिंगल कॉम्पोनेंट यूनिवर्सेस। मुझे लगता है इस लेक्चर को दो लेक्चर्स में मुझे ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि ये
जो प्रेपरेशन है सिंगल कंपोनेंट यूनिवर्सेस की, ये काफ़ी टाइम ले रही है, तो लेट्स ब्रेक इट इनटू टू लेक्चर्स, और सिंगल कंपोनेंट यूनिवर्सेस में अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लूँगा। तो अब जो हम करने जा रहे हैं वो फ्लूइड इक्वेशन से रिलेटेड है। तो फ्लूइड इक्वेशन में पहले यहाँ लिखता हूँ और फिर आप लोगों को बताता हूँ कि हम करने क्या जा रहे हैं। थ्री ए डॉट ओवर ए ई प्लस टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। हमारा मकसद अब ये है कि हम किसी तरह तमाम किस्म की एनर्जी डेंसिटीज मुख्तलिफ ओमेगा वैल्यूज़ के लिए, यानी मैटर के लिए जिसके लिए हमारे पास ओमेगा की वैल्यू ज़ीरो है, रेडिएशन के लिए जिसके पास हमारे पास ओमेगा की वैल्यू 1/3 है, और एनर्जी डेंसिटी के लिए जिसकी जो डार्क एनर्जी है जिसके पास हमारे पास जिसके लिए ओमेगा की जो वैल्यू है वो ओमेगा इक्वल्स -1 है, इन तीनों के लिए हम एनर्जी डेंसिटी फाइंड कर सकें एज अ फंक्शन ऑफ स्केल फैक्टर। ठीक है, हम चाहते हैं कि हम एनर्जी डेंसिटी मिले एज अ फंक्शन ऑफ स्केल फैक्टर, कि स्केल फैक्टर के वेरी करने से मुख्तलिफ चीज़ों की एनर्जी डेंसिटी कैसे वेरी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये देखा था पिछली एक वीडियो में कि हम लिख सकते थे मैटर की एनर्जी डेंसिटी को एज सम कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाय द क्यूब ऑफ द स्केल फैक्टर, है ना, ये हम पिछले लेक्चर में एक बार देख सकें, और ये सिर्फ मैटर के लिए पॉसिबल था। ठीक है, तो हम ऐसी इक्वेशन बनाना चाहते हैं जिसमें हम ओमेगा की बस वैल्यू पुट करें और वो उससे हमें वो इक्वेशन दे दे ई ऑफ ई की, यानी एनर्जी डेंसिटी की, जो कि उसको रिलेट कर ले उसके स्केल फैक्टर से। अब हम ये एक डेरिवेशन करने लगे हैं और ये बहुत एक इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसके लिए हम पहले फ्लूइड इक्वेशन के अंदर प्रेशर को पुट कर देते हैं किस चीज़ के बराबर, अब हमें पता है प्रेशर इज इक्वल्स टू ओमेगा ई। फॉर डिफरेंट ओमेगा वैल्यूज ये इक्वेशन डिफरेंट जवाब देगी, तो पहले हम इस इक्वेशन में प्रेशर की जगह ये पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा ई डॉट प्लस 3 ए डॉट ओवर ए ई प्लस ओमेगा ई इज इक्वल्स टू 0। अब ई मैं इन दोनों तरफ कॉमन ले लेता हूँ, तो सॉरी इस टर्म में से मैं ई कॉमन ले लेता हूँ, तो ये ई डॉट प्लस 3 ए डॉट ओवर ए ई कॉमन आया, तो ये बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू 0, और ये पूरी टर्म अब मैं दूसरी साइड पर ले जाता हूँ। अगेन इट्स ऑल जस्ट सम सिंपल अल्जेब्रा टू गेट टू द इक्वेशन दैट वी वांट, -3 a डॉट ओवर a e इनटू 1 प्लस ओमेगा। अब हमें ज़रा अपनी नोटेशन को खोलना पड़ेगा। हमने ये देखें, हमें याद होना चाहिए कि ई डॉट बाई डेफिनेशन क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ए डॉट बाय डेफिनेशन क्या है, डेरिवेटिव ऑफ ए स्केल फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम ये पुट कर देते हैं, ये बन जाएगा डी ई बाय डी टी इज इक्वल टू -3 ओवर a डी ए बाय डी टी एप्सिलॉन 1 प्लस ओमेगा। अब डी टी से डी टी मैं कैंसिल कर देता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि ई वाले जितनी भी चीज़ें हैं वो एक साइड पर चली जाएँ और ए वाले जितनी भी चीज़ें हैं वो एक साइड पर रह जाएँ, तो मैं ई को दूसरी साइड पर ले जाता हूँ क्योंकि इधर तो बस ई ही है जो कि ई से रिलेटेड है। तो डी ओमेगा डी ई ओवर ई बन जाएगा इज इक्वल्स टू -3 1 प्लस ओमेगा डी ए ओवर ए। अब मुझे अगर एक्सप्लिसिट फॉर्म्स चाहिए ई और ए की, तो मुझे दोनों तरफ इंटीग्रेट करना चाहिए ताकि डिफरेंशियल्स ख़त्म हो जाए। तो डी ई ओवर ई का इंटीग्रल क्या बनेगा, लॉग नेचुरली बनेगा क्योंकि कोई भी फंक्शन हो अगर और उसका इंटीग्रल, सॉरी कोई भी अगर हमारे पास डेरिवेटिव इस फॉर्म का हो, इंटीग्रल डी वाई ओवर वाई की फॉर्म का, तो इसका इंटीग्रल लॉग नेचुरल वाई प्लस सी होता है। तो प्लस सी को हमने नहीं भेज भूलना, किसी एक साइड पर हमें प्लस सी करना पड़ेगा। तो यदि -3 1 प्लस ओमेगा तो कॉन्स्टेंट है, ये ऐसे ही आ जाएगा -3 इंटू 1 प्लस ओमेगा, और इधर ये लॉग नेचुरल ए आ जाएगा प्लस सी भी हमें लिखना पड़ेगा। और सी कैसे फाइंड होगा, ये इनिशियल कंडीशंस लगा कर फाइंड होगा, ये अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से फाइंड होता है। अब मैं दोनों तरफ अगर एक्सपोनेंशिएट कर दूं तो ये हो जाएगा ई की पावर लॉग नेचुरल ई और ई की पावर -3 इंटू 1 प्लस ओमेगा लॉग नेचुरल ए प्लस सी। अब मैं ई और प्लस सी को अलग से मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा ई टू द सी इंटू ई टू द -3 1 प्लस ओमेगा लॉग नेचुरल ए, और इधर ये लॉग नेचुरल से ये ई कैंसिल हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा ई। और ई ऑफ सी को क्या नाम दें, ई ऑफ सी को हम सी प्राइम कह देते हैं क्योंकि ये भी एक और कांस्टेंट ही है, ये हो जाएगा सी प्राइम, और हमारे पास
इधर ये जो पावर है ये इसके ऊपर चली जाती है, क्योंकि हमें पता है कोई भी कांस्टेंट अगर लॉग नेचुरल से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसको हम लिख सकते हैं लॉग नेचुरल एक्स की पावर में सी। ये सी डैश और ये पूरा -3 1+ ओमेगा वाला कांस्टेंट मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा, ये लॉग नेचुरल ए की पावर -3 × 1+ ओमेगा हो जाएगा। ये इससे कैंसिल हो गया और हमारे पास आ जाएगा ई ऑफ टी इज इक्वल टू सी डैश ए टू द पावर -3 1+ ओमेगा। अब हमें कुछ कंडीशंस यूज करके ये जो अननोन कांस्टेंट सी प्राइम हमारी इक्वेशंस में आ गया इसको हटाना पड़ेगा। तो हम कंडीशन ये यूज करते हैं क्योंकि हमें पता है कि ए ऑफ टी नॉट यानी स्केल फैक्टर की वैल्यू आज बाय कन्वेंशन 1 के बराबर होती है, और फिजिसिस्ट कुछ ना कुछ करके एनर्जी डेंसिटी भी फाइंड कर लेते होते हैं। तो प्रेजेंट डे पर वो सैटेलाइट एक्सपेरिमेंट्स करके जैसे भी करके एनर्जी डेंसिटी फाइंड करते हैं ई नॉट, तो हम ये कंडीशन यूज कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये हो जाएगा ई नॉट, मतलब मैं टी इक्वल्स टी नॉट पर अगर ये इक्वेशन देखूँ तो ये हो जाएगा ई नॉट इक्वल सी प्राइम, और ए नॉट तो 1 होता है और 1 की पावर में -3 1+ ओमेगा भी आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सी प्राइम हमारे पास ई नॉट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ई ऑफ टी इज इक्वल्स टू ई नॉट ए टू द पावर -3 1+ ओमेगा। और अब देखिए मुख्तलिफ ओमेगा की वैल्यूज के लिए ये इक्वेशन हमें मुख्तलिफ जवाब देगी, इसका मतलब है हमें नीचे सबस्क्रिप्ट लगानी पड़ेगी कि हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि किस ओमेगा के लिए हम इस इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं, और इधर भी ओमेगा साथ आना चाहिए तो ओमेगा कॉमा नॉट लिखना पड़ेगा मुझे फिर, यानी अगर मैटर होगा तो ओमेगा की जगह एम आ जाएगा, रेडिएशन होगा तो ओमेगा की जगह आर आ जाएगा, और डार्क एनर्जी होगी तो ओमेगा की जगह लैम्डा आ जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि मुख्तलिफ चीज़ों के लिए मुख्तलिफ कॉम्पोनेंट्स के लिए हमारे पास कैसे एनर्जी डेंसिटी आती है एज अ फंक्शन ऑफ द स्केल फैक्टर। इधर अब मुझे एनर्जी डेंसिटी को टाइम का फंक्शन भी नहीं लिखना चाहिए क्योंकि ऑल्दो ये टाइम का फंक्शन है मगर इस इक्वेशन में एक्सप्लिसिटली हमने निकाल लिया जो हमारा मकसद था कि एनर्जी डेंसिटी ए का फैक्टर आ जाए यानी स्केल फैक्टर की का फंक्शन आ जाए। तो अब देखिए हमें पता है कि मैटर के लिए चलें इस इक्वेशन को देखते हैं, मैटर के लिए ओमेगा 0 होता है, तो अब देखते हैं क्या जवाब देती है। तो ई एम ए हो जाएगा ये इज इक्वल्स टू ई एम 0 यानी आज जो मैटर की डेंसिटी है एक्सपेरिमेंटली फाइंड की गई ए टू द पावर -3, क्योंकि जब हम 1+ ओमेगा में ओमेगा 0 पुट करेंगे तो ये 1+0 1 दे देगा और हमारे पास ए टू द पावर -3 बचेगा। इसको मैं मजीद ऐसे लिख सकता हूँ ई एम ऑफ ए इज इक्वल्स टू ई एम ऑफ 0/a³। तो ये बिल्कुल वही रिजल्ट है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसे कि हमने पहले देखा था कि सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय a³ जवाब आता है। अब हमें ये भी पता चल गया कि वो कांस्टेंट क्या हो सकता है, वो कांस्टेंट एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू हो सकती है एट सम टाइम एट प्रेजेंट टाइम। अब यही काम हम रेडिएशन के लिए कर लेते हैं, देखते हैं रेडिएशन के लिए क्या आता है। फॉर रेडिएशन यही हमारी इक्वेशन बनेगी, लेकिन ई आर ऑफ ए बन जाएगा ये और ई आर नॉट आ जाएगा और ए टू द पावर -3 और 1+ ओमेगा, और रेडिएशन के लिए ओमेगा होता है 1/3, तो वो हम इसके अंदर पुट कर देते हैं, ये जाएगा 1/3, 1+1/3 होता है 4/3 के बराबर, ये -3 और ये हो जाएगा 4/3, इधर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आता है ई आर ऑफ 0/a⁴। तो देखिए रेडिएशन जो है यानी फोटोन की जो डेंसिटी है वो मैटर से तेजी से गिर रही है, मैटर की a³ से गिर रही है मगर जो रेडिएशन की है वो a⁴ से गिर रही है। आखिर ये मैटर से तेजी से क्यों गिर रही है, अगर दोनों पार्टिकल्स हैं, मैटर को भी गैलेक्सीज को भी हम पार्टिकल्स के तौर पर ले सकते हैं और फोटोन्स को भी हम पार्टिकल्स के तौर पर ले सकते हैं जो यूनिवर्स के अंदर फैले हुए हैं, तो क्यों ऐसा हो रहा है। असल में देखें इसकी वजह ये है कि फोटोन्स जो हैं वो उनकी तादाद भी कम हो रही है जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। देखिए अगर यूनिवर्स एक्सपेंड करेगा तो ऑफ कोर्स इनकी जो सॉरी तादाद तो नहीं कम हो रही, डेंसिटी तो कम हो रही है बिल्कुल उस तरीके से जैसे मैटर की डेंसिटी कम हो रही है, मगर इनकी डेंसिटी एक और वजह से भी कम हो रही है। ये तो मैटर वाली वजह तो इनमें है ही है, तो a³ आ गया इसमें 1/a³, मगर इसकी वजह ये है कि फोटॉन्स के साथ एक फ्रिक्वेंसी एसोसिएटेड होती है और एक वेव एसोसिएटेड होती है, और वो जो वेव होती है उसकी वेवलेंथ कितनी होती है
लैम्डा होती है। तो जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपेंड करता है ये लैम्डा भी बढ़ता जाता है। तो हमें ये भी पता है कि फोटोन की जो एनर्जी होती है वो ई इक्वल्स एच एफ होती है, और एफ होता है सी ओवर लैम्डा के बराबर। यानी एनर्जी जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, जबकि लैम्डा यूनिवर्स के साथ साथ यानी स्केल फैक्टर के साथ साथ बढ़े जा रहा है, जिसकी वजह से ना सिर्फ 1/a³ का फैक्टर आता है बल्कि एक और फैक्टर भी आ जाता है 1/a का, जो कि टोटल एनर्जी डेंसिटी को 1/a⁴ बनाता है। खैर एक मैथमेटिशियन के लिए तो इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ये 1/a⁴ आ गया, उसने तो बस इस इक्वेशन से प्रूव कर दिया कि फोटोन की एनर्जी डेंसिटी a⁴ से गिरती है। मगर हमारे लिए इस बात में काफ़ी इंटरेस्ट है एज फिजिसिस्ट, हमें कुछ अपनी इक्वेशंस की वजह भी पता होनी चाहिए, तभी हमारी इंट्यूशन अच्छी होती है यूनिवर्स के बारे में। तो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी के लिए यही काम अगर हम करें तो ये हो जाता है ई लैम्डा ऑफ ए इज इक्वल टू ई लैम्डा ऑफ 0 ए टू द -3 1 प्लस ओमेगा। और इसके लिए जो ओमेगा होता है वो -1 के बराबर होता है। हम इधर अब -1 पुट कर देते हैं तो ये -1 हो जाएगा। अब ये काम 1 -1 ये तो 0 हो जाएगा, तो a⁴ कितनी होती है 1 होती है फॉर ऑल टाइम्स, यानी ये 1 हो जाएगा। यानी e ऑफ a इज इक्वल्स टू e लैम्डा ऑफ 0। ये क्वेश्चन हमें क्या बता रही है, ये हमें ये बता रही है कि एनर्जी डेंसिटी जो है एज अ फंक्शन ऑफ स्केल फैक्टर ये कॉन्स्टेंट रहती है। जो इसकी वैल्यू आज है वही फ्यूचर में भी होगी जैसे जैसे स्केल फैक्टर बढ़ेगा, और अगर हम पास्ट में जाएं स्केल फैक्टर को कम करते जाएं तब भी यही वैल्यू होगी। ये उसी बात को दोबारा रिफ्रेस कर रही है ये इक्वेशन कि एनर्जी डेंसिटी इसकी डार्क एनर्जी की हमेशा कांस्टेंट रहती है, कभी चेंज नहीं होती। अब हमारे पास तमाम मटेरियल इकट्ठा हो चुका है सिंगल कंपोनेंट यूनिवर्सिस की स्टडी करने का, तो वो हम अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि इस लेक्चर में हमें काफ़ी टाइम लग गया वो मटेरियल जमा करते करते। तो लेट्स सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर।